सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का प्रकरण वही कारक प्रकरण है हमारा, और हम कर रहे हैं कर्म कारक। कर्म कारक में अब करेंगे द्वितीय विभक्ति। दो प्रकार की विभक्ति होती है, एक कारक विभक्ति होती है, एक उपपद विभक्ति होती है। कारक विभक्ति वो जो अभी हम पहले कर रहे थे, जो कर्म आदि संज्ञा करके उसके बाद जो विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति होती है। और उपपद विभक्ति वो होती है, उपपद का मतलब होता है कि बिल्कुल नजदीक से उच्चारण करने पर किसी शब्द विशेष का, किसी अव्यय पद का उच्चारण किया और उस अव्यय पद के साथ में विभक्ति लग जाए, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। किसी किसी पद के योग में, ये पद, ये शब्द है, ये पद है, तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ संज्ञा नहीं होती, ये डायरेक्ट विभक्ति करते हैं। तो ये प्रकरण हमारा है उपपद विभक्ति का। तो उपपद विभक्ति का हम पहला सूत्र कर रहे हैं, वार्तिक है हमारा, उपसवतसो कार्य दिगु प्रियादिषु त्रिषु द्वितीय आमृडित अंतेषु ततो अन्यत्र आपि दृश्यते। ये सूत्र बता रहा है कि कहां कहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, किस किस के योग में होती है। उप सर्व द्रव्य, उप और सर्व, तसो हो जब तस प्रत्यय लग जाए, उप इसके साथ तस प्रत्यय लगे ये बन जाता है उभयतः, और सर्व के साथ यदि तस प्रत्यय लगाए तो बनता है सर्वतः, यानी कि उभयतः और सर्वतः, उभयतः और सर्वतः इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद में है कार्य का मतलब है द्वितीय दिक, दिक के योग में भी, जो दिक शब्द है इसके योग में भी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद में कहा उपरी आदिशु त्रिशु, उपरी आदि तीन शब्द, उपरी अधि और अध, ये तीन शब्द हैं, इनके साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कब होती है, एक विशेष स्थिति है द्वितीय आमृडित, जब आमृडित संज्ञा हो इनकी। आमृडित संज्ञा कब होती है, जब बिल्कुल एक जैसे रूप हो, दो रूप बिल्कुल एक जैसे हो, जैसे ऊपरी की बात करें तो ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधा अधा, जब दो रूप एक जैसे हो, जैसे ये दो रूप बिल्कुल एक जैसे हैं, तो यहां क्या होगा, ये दोनों, ये पहला वाला जो शब्द है ये कहलाएगा अभ्यास संज्ञा, इसकी अभ्यास संज्ञा होती है। और जो द्वितीय द्वितीय आमृडित, जो द्वितीय शब्द है वो क्या होता है, आमृडित संज्ञक, इसको कहते हैं आमृडित, इसको कहते हैं अभ्यस्त। यदि दोनों की बात करते हैं तो कहलाता है अभ्यस्त, लेकिन जो हमारा यहाँ प्रकरण चल रहा है वो आमृडित का चल रहा है, यानी कि जब बिल्कुल समान रूप हो दो, तो जो आमृडित है, यानी कि ये तीन जो ऊपरी आदिशु त्रिशु जो तीन शब्द कहे गए हैं, ये केवल उस स्थिति में कहे गए हैं जब इनकी आमृडित संज्ञा हो गई है, दो दो बार जब हो इनका प्रयोग, तब उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। आगे कहा तो अन्यत्र अपि दृश्यते, इसके अन्यत्र भी, इसके अलावा भी दूसरी जगह में भी ये देखने को मिलता है, क्या, द्वितीय कार्य, द्वितीय जो ये है द्वितीय विभक्ति के लिए, द्वितीय कार्य द्वितीय विभक्ति होती है। कब कब होती है, एक तो उभयतः और सर्वतः के साथ, फिर दिक् के साथ, फिर उसके बाद में ये तीन शब्द दे दिए जब आमृडित हो, दो दो रूप बन रहे हो तब, और उसके बाद में कब होती है, कुछ अलग अवस्थाओं में भी, इसके अलावा भी देखने को मिलती है, वो ये अगला जो वार्तिक है वो बताएगा। पहले इसके उदाहरण कर लेते हैं, उभयता, उभयता का मतलब क्या होता है, दोनों ओर, उभयता कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोप है, उभयता कृष्णम गोपा, उभयता, ये उभयता शब्द आ गया, ये अव्यय पद आ गया, इस पद के साथ में कृष्ण शब्द जो है इसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति।
वैसे सर्वतः उभयतः दोनों और सर्वतः सब ओर, सर्वतः कृष्णम, सर्वतः कृष्णम क्या है, कृष्ण क्या है, सब ओर है, तो सर्वतः का योग में कृष्ण में द्वितीय व्यक्ति। फिर ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, संधि होने पे ये रूप बनता है ऊपरी ऊपरी लोकम हरि। अब ऊपरी ऊपरी दो बार है, आमरेडित है, इसके योग में लोक जो शब्द है यहां क्या होगी, द्वितीय विभक्ति, ये वार्तिक डायरेक्ट द्वितीय विभक्ति करता है, ये कहलाता है उपपद विभक्ति। उसके बाद में अधि शब्द है, अधि 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 लोकम हरि, अधि बिल्कुल समीप के लिए जब होता है, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि जो हरि है बिल्कुल लोक के ऊपर है, अधि अधि लोकम हरि जो हरि है लोक के समीप है, और फिर अध नीचे, और नीचे भी कैसा, बिल्कुल निकटतम नीचे, अधो अध लोकम पाताल, अधो अध लोकम पाताल, लोक के बिल्कुल नीचे समीप में ही जो नीचे है वहां क्या है, पाताल है। तो इन तीन शब्दों के साथ जब आमरेडित हो, तो दो बार ये शब्द प्रयोग में हो, तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। और जो ये दिक् शब्द था, दिक् शब्द के योग में होती है द्वितीय विभक्ति, लेकिन कभी कभी यहाँ पर प्रथमा या संबोधन भी हो जाती है दिक् के योग में, जैसे दिक् इयम द्रीधरता, यहाँ इयम जो है प्रथमा है, कभी कभी होती है, वैसे दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये तो हो गया हमारा उभयतः सर्वतः और दिक् और ऊपरी आदि तीन शब्द, इनमें हो गई द्वितीय विभक्ति। इसके अलावा कहता है ततो अन्यत्र अपि दृश्यते, इसके अलावा भी देखने को मिलती है द्वितीय विभक्ति, वो कहाँ कहाँ होती है, वो होती है अभितः परितः सम्या निक्षा ह प्रतियोगी अपि, अभितः अभितः का मतलब होता है दोनों, उभयतः का भी वही था अभितः, जो अभितः और परित है, यहाँ क्या है अभि और परि, ये दो उपसर्ग है, इनके साथ तसिल प्रत्यय जब लगता है तो ये रूप बनता है, तसिल प्रत्यय लगने पर। जब तसिल प्रत्यय लगता है और फिर जब ये रूप बनता है तो इनके योग में होती है द्वितीय विभक्ति। जैसे अभितः दोनों ओर, वही उदाहरण हम ले सकते हैं जो उभयतः का लिया था, उभयतः कृष्णम गोपा, ऐसे ही अभितः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप है, उभयतः के स्थान पे अभितः कर दो, अभितः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप है। फिर परितः चारों ओर, कृष्ण के चारों ओर गोपाः, परितः परितः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के चारों ओर गोप है। सम्या ये होता निकट, नजदीक, समीप, ग्रामम सम्या नदी बहती, गांव के समीप नदी बहती है। ग्रामम सम्या नदी बहती, सम्या के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति। निक्षा, निक्षा का अर्थ होता है निकट, निक्षा लंका, लंका के निकट, कुछ भी कह रहे हो, नदी है, समुद्र है, पर्वत है, निक्षा लंकाम पर्वतः अस्ति, पर्वतः वर्तते। आगे हा, हा के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, जो ऊपर हमने दिक् किया था उसका उदाहरण लिया गया था, दिक् का उदाहरण है दिक् दुश्चम, या दिक् कृष्ण अभुक्तम, इसका भी उदाहरण यही है हा, ये भी जो दिक् होता है दिक्कार के लिए होता है, हा भी ऐसा ही भाव होता है अफसोस के लिए कि ऐसा क्यों है,
हाँ के योग में नित्य व्यक्ति करते हैं तो होता है हाँ कृष्णा अमुक्तम, कृष्णा अमुक्तम जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके लिए अफसोस है। दिग्दुष्टम जो दुष्ट है उसके लिए अफसोस है, उसको धिक्कार है। यहाँ ये एक उदाहरण ये भी बनता है, दिक् कृष्णा अभक्तम, यही वाला हा कृष्णा अभक्तम। अब उसके बाद में आते हैं प्रति, प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। दीनम प्रति दयाम करो, दीनों के प्रति दया करो, दीनम प्रति दयाम कुरु। और बुभुक्षितम प्रतिभाति न किंचित, जो भूखा होता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बुभुक्षितम प्रतिभाति न किंचित, प्रति की योग में बुभुक्षितम, बुभुक्षित जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति। अभीतः परितः सम्या निक्षा हा प्रति, ये छह शब्द हैं, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस सूत्र से ही जो ये पहले जो हमारा वार्तिक है इसी वार्तिक से द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि इस वार्तिक में कहा गया था उभयतः सर्वतः दिक् उपरी आदि तीन शब्द, इनमें तो इसने बता दी थी, इसके अलावा कुछ अलग जगह पे देखी जाती है वो ये शब्द है, यहाँ देखी जाती है इसी वार्तिक से इन सब में द्वितीय विभक्ति। आगे है अगला वार्तिक हमारा, अगला सूत्र है अंता अंतरेण युक्ते, ये जो दो शब्द है आभ्याम द्वितीय से आते, इनके योग में भी अंतरा एक शब्द हमारा अंतरा, दूसरा है अंतरेण। अगर ये शब्द आ जाते हैं या तो अंतरा आ जाए या अंतरेण आ जाए, तो इनके योग में जो होता है वहां पे क्या होती है द्वितीय विभक्ति। कैसे, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है हरि है। अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा शब्द आ गया इसलिए इसके योग में त्वाम और माम यहां क्या हुआ द्वितीय विभक्ति हो गई। वरना तो तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है तो कैसे कहेंगे, षष्ठी का भाव आ रहा है तव मम, हम दोनों के बीच में तव और मम होता, युष्मद और अश्मद रूप है, लेकिन यहां पे क्या है त्वम, त्वम से क्या हो गया त्वाम द्वितीय विभक्ति, और ये क्या है अस्मद का रूप है अहम, तो यहाँ पे द्वितीय क्या हुई माम। यानी कि अंतरा के योग में जब शब्द आते हैं उनमें होती है द्वितीय, और दूसरा है अंतरेण। अंतरेण का मतलब होता है, अंतरा का मतलब होता है बीच में, अंतरेण का मतलब होता है के बिना। अंतरेण हरि न सुखम, हरि शब्द है लेकिन अंतरेण के योग में तो अंतरेण हरिम, हरि के बिना सुख नहीं है। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। इनके अंतरा शब्द हो या अंतरेण हो, इनके योग में जो होता है वहां पर क्या होता है द्वितीय विभक्ति होती है। आगे हमारा है एक और सूत्र है जो उपपद विभक्ति है, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, ये कहता है कि कालवाची और मार्गवाची यदि ये दो शब्द आ जाते हैं इनका जब अत्यंत संयोग बन रहा हो, अत्यंत संयोग का मतलब है जिसके बीच में कोई गैप ना हो, निरंतर कोई कार्य चल रहा हो, निरंतर संयोग बन रहा हो, तो वहां पर क्या होती है द्वितीय विभक्ति, उपपद विभक्ति है जो डायरेक्ट द्वितीय विभक्ति करता है। इसका उदाहरण है, दोनों का लेंगे एक, और कब कब होती है संयोग, कब बनता है गुण क्रिया या द्रव्य, ऐसी कोई स्थिति होती है और वहां पर अत्यंत संयोग बन रहा हो, वहां पर मार्गवाची या कालवाची जो शब्द होता है उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची शब्द करें मासम कल्याणी, मास भर कल्याणकारी है, ये नहीं है कि एक दिन कल्याणकारी है दो दिन, मास भर वो लगातार काम चल रहा है पूरा नहीं हुआ, मास भर कल्याणकारी है। और कल्याण, कल्याण क्या है एक गुण है, तो ये गुण का उदाहरण है। दूसरा क्या है अगर इसका ले हम, ये तो हो गया कालवाची शब्द,
अध्वन का ले, मार्गवाची शब्द ले तो क्रोशम, कुटीला, नदी। कोस भर नदी कैसी है? कुटिल है, टेढ़ी है, ये क्या है? ये भी गुण है। तो ये तो दोनों है उदाहरण गुण के। अब इसमें क्या देखना है, जो ऊपर था, जो हम ऊपर वार्ते कर रहे थे, उसमें क्या था कि जहां जहां वो शब्द विशेष थे, पद विशेष थे, उनके योग में जब कोई शब्द आता था वहां द्वितीयायुक्ति हो रही थी। लेकिन ये क्या है, कालवाची और मार्गवाची जो शब्द है वहां पर द्वितीयायुक्ति हो रही है। यहाँ पर जो खुद ये शब्द है इनमें द्वितीय हो रही है, जबकि ऊपर जो था उन शब्दों के योग में द्वितीयायुक्ति हो रही थी। ये है गुण के उदाहरण। फिर और हम उदाहरण देखते हैं, गुण, द्रव्य और क्रिया। तो क्रिया का उदाहरण देखते हैं। क्रिया क्या है? पढ़ना, चलना, ये सब क्रिया है। मासम अधीते, मास भर पढ़ता है, एक महीना लगातार पढ़ रहा है, ये क्या हो गई? क्रिया। क्रोशम अधीते, एक कोस तक पढ़ता है, लगातार एक कोस तक पढ़ रहा है, तो ये क्या है? क्रिया। ये मार्गवाची, ये कालवाची है, ये मार्गवाची है। फिर क्या है? द्रव्य, गुड़धाना, मासम गुड़धाना। मासम गुड़धाना, ये हमारा है द्रव्य, मास भर गुड़धान है। क्रोशम पर्वत, ये क्या है? पर्वत है कोस भर तक। पर्वत क्या हो गया? एक द्रव्य हो गया। तो ये हो गया गुण, द्रव्य और क्रिया के उदाहरण। अब कहा क्या है? अत्यंत संयोगे, निरंतर संयोग बन रहा हो। यदि निरंतर संयोग ना हो तो उसका क्या उदाहरण होगा? निरंतर संयोग का कैसे पता चल रहा है कि अब तक जो उदाहरण किए वो लगातार काम, मास भर ये काम हो रहा है, कोस भर ये हो रहा है, ये था अत्यंत संयोग। यदि ये कहे कि मास में दो बार पड़ता है तो क्या हुआ? मासस्य द्विर अधीते, मास में दो बार पड़ता है, यहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। फिर मासे द्विर अधीते, दो बार पड़ता है महीने में, अब यहां पे लगातार काम नहीं हो रहा। अब क्रोस है, कोस पर काम नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे? क्रोस से एक देश से पर्वत है, एक देश में क्रोस से एक देश से पर्वत है, एक तरफ पर्वत है, एक देश में पर्वत है, यानी कि कोस पर वो काम पूरा नहीं है। तो ये है जब अत्यंत संयोग बन रहा हो, माशिष्य देवते, जब लगातार कोई काम हो रहा है मासम, तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति होती है। जब लगातार काम नहीं है तब तो षष्ठी सप्तमी कुछ भी हो सकती है। इसलिए ये जो मुख्य शब्द है काल अध्वनो, यहां पर सप्तमी द्विवचन, अत्यंत संयोगे सप्तमी एक वचन, युक्ते में भी सप्तमी एक वचन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कुछ शब्द, कुछ अव्यय पद, उभयता और सर्वतः, उभ और सर्व के साथ जब तत्पर्यय लगता है वहां पर द्वितीय युक्ति होती है। उभयता सर्वतः के साथ द्वितीय युक्ति, दिक् के साथ द्वितीय, और फिर जो आमरेडित तीन शब्द है ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधो अधो, इन सब के साथ द्वितीय युक्ति है। इसके अलावा कुछ और शब्द बताए, अभितः, परितः, सम्या, निक्षा, हा, प्रति, इनके योग में भी द्वितीय युक्ति होती है। इसके बाद में दो और शब्द है, अंतरा और अंतरेण, इनके योग में भी द्वितीय युक्ति होती है। फिर है काल अध्वनो, अत्यंत संयोगे, कालवाची और मार्गवाची शब्द, जब बहुत अत्यंत संयोग बन रहा हो, निरंतर कोई कार्य हो रहा हो, निरंतरता जब दिखाई दे रही हो, तो वहां पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय युक्ति होती है। तो ये था आज का हमारा विषय। धन्यवाद।